आइए बढ़ते आगे। एक स्टॉक जो है एक्शन में, फोक्स में, रडार पर, कावेरी सीड्स, जिसने हाल ही में आपके लिए ऐलान किया बायबैक का। हमारी रिसर्च टीम ने एक्सक्लूसिव रिसर्च की और आपके सामने रख रही है कितना बायबैक हो सकता है, किस प्राइस का हो सकता है, ये पूरी डिटेल्स आपके लिए लेकर आ रहे हैं वरुण दुबे। वरुण बताइए क्या कह रही है जीबीडी की एक्सक्लूसिव रिसर्च। ठीक है अनिल जी, हमारे एक्सक्लूसिव रिसर्च के मुताबिक जो बायबैक की रेंज होगी वो है 710 से 760 रुपए की रेंज। ये 50 प्राइस की रेंज है जिसमें बायबैक आ सकता है। और अगर आप एग्जैक्ट फिगर जानना चाहते हैं तो हमारा अनुमान है कि 750 के भाव पे कंपनी जो है बायबैक कर सकती है। अब काफ़ी सारा पास्ट डेटा हमने खंगाल के देखा कि किस तरह की कंपनी का ट्रेंड रहा है, किस तरह का बायबैक कंपनी ने किया है। तो देखिए, ये पहली बार नहीं है जब कंपनी बायबैक कर रही है। इसके पहले तीन बार, यानी कि 2017, 2018, 2019, ये तीन साल में कंपनी ने लगातार बायबैक किया है। और उसके बाद अब चौथी बार कंपनी जो है वो बायबैक करने जा रही है। कंपनी का पिछला ट्रेंड बताता है कि कंपनी अपने टोटल इक्विटी जो आउटस्टैंडिंग शेयर्स है उसका करीब 4.35 से 4.44% के आसपास का बायबैक जो है वो करती है। और साथ ही साथ अगर आप प्रीमियम देखेंगे तो पिछले तीनों बार का ये ट्रेंड दिखाता है कि कंपनी का जो प्रीमियम रहता है, जो क्लोजिंग प्राइस जिस दिन कंपनी ने ऐलान किया बायबैक का, उस दिन से करीब 23 से 33% के आसपास के प्रीमियम पे कंपनी जो है वो हमेशा बायबैक करती है। आप 2018 में अगर आप देखेंगे, 17 में देखेंगे तो 23% था, 18-19 में करीब 33.33% पे कंपनी ने बायबैक किया था। तो अगर इन सब पैरामीटर्स को आप ध्यान में रखेंगे, और जो खर्चा कंपनी लगातार बायबैक पे करते जा रही है वो करीब 196 से 200 करोड़ के आसपास का है, तो इन सब पैरामीटर्स को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो ये निकल के आता है कि कंपनी का जो बायबैक का प्राइस है वो 710 से 760 के बीच में रह सकता है, और एग्जैक्ट प्राइस 750 के आसपास रह सकता है। और अगर ये कंपनी ने बायबैक किया तो करीब करीब 27 लाख शेयर्स के आसपास का बायबैक जो है वो ये कंपनी करने वाली है। और अगर पिछला ट्रेंड भी देखेंगे तो इसके पहले कंपनी ने जो बायबैक किया था, दो बार 675 और तीसरी बार 700 के रेट पे किया था। तो इन सब के पास्ट ट्रेंड्स और बाकी कैलकुलेशंस के मुताबिक 750 के भाव पे बायबैक आना चाहिए। लेकिन हाँ, रेंज भी याद रखिए 710 से 760 का है। तो ये है आपके लिए 25 से 33% प्रीमियम पर बायबैक आने की संभावना यहाँ से बन सकती है। 565 रुपये के आसपास का दाम है, देखते हैं क्या कुछ हो सकता है। जैन साहब भी हमारे साथ हैं। जैन साहब, क्या करना चाहिए? क्या अभी खरीदारी करके 700 के ऊपर के बायबैक आए उसमें बेचा जाए या छोड़ दें? क्या व्यू है आपका इस स्टॉक पर, कावेरी सीड्स? हाँ देखिए, बहुत ही वॉलेटाइल नेचर का स्टॉक है और अच्छा खासा करेक्ट हुआ ऊपर के लेवल से। 817 के हाइज बनाने के बाद ये अभी जिन लेवल्स पे, यहाँ से बहुत सही कह रहे हैं वरुण जी की 750 तक के लेवल्स का बायबैक आ सकता है। और जनरली जो कंपनियां बायबैक के मूड में रहती है वो हर साल ऐसे ही करते हैं, जैसे आईटी कंपनीज की तरह बिहेव कर रही है। बट इनका इस बार जून क्वार्टर का मैं रिजल्ट देख रहा था तो पिछले जून के मुकाबले हल्का था, और इनका मार्च क्वार्टर हमेशा खराब जाता है क्योंकि उस टाइम पे इनकी सेल्स नहीं होती उतनी। सो ओवरऑल मैं कहूंगा कि जिस तरीके का मार्केट माहौल है, मूड है, तो थोड़ा एक बार वैसे ही वेट एंड वॉच का माहौल बन गया। मिड कैप स्मॉल कैप हल्के चल रहे हैं और सितंबर की 1 तारीख से एक बड़ा रेगुलेशन आने वाला है जो कैश कोलैटरल और मार्जिन्स को लेकर, तो उसका भी मुझे कहीं ना कहीं इंपैक्ट ऐसा लगता है कि मार्केट्स में दिख रहा है। सो लेट्स सी, मैं हो सकता है कि ज्यादा प्रीएम्प्ट कर रहा हूं उस चीज को आज मार्केट का मूड माहौल खराब देखते हुए, बट स्टिल जिन्होंने ले रखा वो होल्ड करके रखे। बट अपॉर्चुनिटी के लिए अगर एनकैश करना तो हो सकता है कि प्राइस अनाउंसमेंट का वेट करें और किस तरीके का बायबैक आता उसके बाद भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ऐसा कुछ लगता नहीं कि बहुत ज्यादा उस दिन कुछ होगा ऐसा, क्योंकि जिस तरीके का माहौल मिड कैप स्मॉल कैप में बना हुआ है। सो आई थिंक वी शुड वेट एंड वॉच। तो वेट एंड वॉच वाला मामला है कावेरी सीड्स में इस वक्त, और यहां पर आपके लिए राय बायबैक पर 710 से 760 रुपए के रेंज की आती हुई हमारी टीम की तरफ से।